रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पार चल के समुंदर भी आएगा, थके ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वेलकम टू बालाजी इंस्टीट्यूट। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा बेविंग प्रिपरेशन, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो बेविंग प्रिपरेशन है टॉपिक है हमारा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का, तो उसमें बेविंग प्रिपरेशन में हमारे तीन टॉपिक हैं। तो तीन टॉपिक में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है बाइंडिंग, सेकेंड टॉपिक है वो है बार्पिंग, और जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा साइजिंग। तो जो फर्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बीविंग प्रिपरेशन की आज हमारी क्लास है। बीविंग प्रिपरेशन की हमारी आज क्लास है और इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है बाइंडिंग। तो बाइंडिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, और बाइंडिंग का बेसिकली यूज क्यों है, इसे बीविंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअली बाइंडिंग पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बीविंग प्रिपरेशन एक्चुअली में है क्या। बीविंग प्रिपरेशन ये है कि जो हमारा यार्न बनता है उससे पहले की जो प्रोसेस की जाती है, दैट्स द कॉल नेम ऑफ बीविंग। तो बीविंग में पहले क्या है, जो हमारा फाइबर होता है, द नेम ऑफ हिंदी रेशा होता है जो हमारा फाइबर होता है जो हमारा, इससे जो यार्न बनाने की प्रोसेस होती है, और यार्न से जो फैब्रिक बनाने की प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज बीविंग। और ये जो हमारी फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है, दिस नेम इज प्रोसेस स्पिनिंग। ये जो हमारी प्रोसेस है ये हमारी स्पिनिंग प्रोसेस है। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्पिनिंग का जो फ्लो चार्ट होता है, जो मतलब यार्न बनाते हैं उससे पहले जो फ्लो चार्ट होता है, जिसमें मतलब हमारा यार्न है वो बनता है, मतलब जो जैसे फाइबर हमारा रेशा है जो उससे हम जो यार्न बनाते हैं वो स्पिनिंग के अंतर्गत आता है, उसका जो फ्लो चार्ट है वो हम इसमें देखते हैं। तो हमने उस दिन देखा था फ्लो चार्ट में, उसमें अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप हमें वो कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम उसको आपको सॉल्व करके बता देंगे कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक है और कहाँ पे आपके समझ नहीं आ रहा, वो दोबारा समझा देंगे, ठीक है। तो वो भी हम देख रहे हैं। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा, और आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे बीविंग, कि यार्न से फैब्रिक बनाते हैं। तो इसमें जो टॉपिक होता है वो सबसे पहले बाइंडिंग, क्योंकि यार्न बनाएंगे तो इसमें भी जैसे हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था फाइबर से यार्न तक का, उसमें भी कई मशीनें थी, कई प्रोसेस हुए थी, तब हमें जाके यार्न मिला था। उसी तरह फैब्रिक का भी यही है कि जब यार्न से बहुत सारी प्रोसेस करेंगे तब हमें मिलेगा। तो हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है बाइंडिंग, वो हम देखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। हमारा है जो बाइंडिंग क्या होता है, जो पैकेज होता है, जैसे बाइंडिंग की जो डिफिनेशन है वो ये है कि छोटे पैकेट से बड़ा पैकेट होता है। छोटे पैकेट से बड़ा पैकेट बनाने की जो प्रोसेस होती है ये आपकी बाइंडिंग कहलाती है। अब इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं, दैट्स कॉल्ड द नेम ऑफ रिंग फ्रेम,
ड्रीम बॉडी है। ये आपके टर्म्स यूज, ये टर्म्स आपके यूज होते हैं। तो रिंग फ्रेम क्या होता है, रिंग बॉबिन क्या होता है, वो अभी हम आपको बताएंगे। रिंग फ्रेम क्या होता है, रिंग फ्रेम में ये होता है कि जो रिंग फ्रेम है हमारा, इसमें क्या होता है, रिंग फ्रेम में क्या है, रिंग फ्रेम से हम पतले से पतला तथा मोटे से मोटा यार्ड है वो हम इसमें बना सकते हैं। रिंग फ्रेम के अंतर्गत हम बनाएंगे। तो रिंग फ्रेम में है, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये है कि आरएफ में पतले से पतला तथा मोटे से मोटा बना सकते हैं। रिंग फ्रेम में पतले से पतला तथा मोटे से मोटा यार्न बना लेते हैं, ठीक है। रिंग बॉबिन हमारा क्या होता है, ये मीटर देख लेंगे। रिंग बॉबिन, रिंग बॉबिन में क्या होता है, रिंग बॉबिन जो है वो हमारा इसमें क्या होता है, इसमें धागा लपेटा जाता है। तो इसमें क्या है, रिंग बॉबिन में आज में 2000 से 4000 मीटर तक धागा तो हमारा जो यार्ड है लपेटा जा सकता है, रिंग बॉबिन में हमारा 2000 से 4000 मीटर तक धागा लपेटा जा सकता है। रिंग मतलब आपकी बाइंडिंग होती है, तो इसमें जैसे रिंग फ्रेम मतलब आपने धागा जो है वो आपका बन गया, अब आपको वो लपेटने के लिए जो मतलब टर्म चाहिए वो ये है रिंग बॉबिन आपका, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका बाइंडिंग हो गई, रिंग फ्रेम हो गया, जो इसमें टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब जो बाइंडिंग है उसके ऑब्जेक्ट क्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक बार नोट कर लीजिए और मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने देख लिया, अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जो बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट है अब हम वो देखेंगे, तो इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मतलब बाइंडिंग हम किस लिए कर रहे हैं, कि छोटे पैकेट से जो हमारा है, छोटे पैकेट से आपका बड़ा पैकेट बन जाए। तो इसका जो फर्स्ट होगा वो ये है, टू प्रिपेयर लार्ज पैकेज। सेकेंड हमारा क्या है, यू है वो हमारा है, सेकेंड जो हमारा है वो है टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ यार्न, मतलब जो इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो यार्न की मतलब क्वालिटी है उसको इंप्रूव करता है, मतलब अच्छा बनाता है। और जो हमारा थर्ड है वो है टू इंप्रूव द
एफिशिएंसी। Improve the efficiency of weaving process. Improve the efficiency of weaving process. और जो हमारा लास्ट है वो है टू रिमूव द objection fault. To remove the objection fault. अच्छा objection fault हमारा जो होता है वो हम देख लेते हैं। objection fault जो इसमें होगा वो ऐसा होगा कि मतलब thin place होगा, thick place होगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्शन पार्ट ये होगा, ये होगा तो प्लस 50%। और इसमें एक होता है थर्ड पार्ट, वो होता है हमारा नेप। बट नेप की एक कंडीशन होती है, वो ये होती है कि जब डायामीटर जो आपका है डायामीटर 200 मीटर होगा, जब आपका डायामीटर 200 मीटर होगा तब हम नेप्स यूज करते हैं, यूजेस दिस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, बाइंडिंग पढ़ लिया, बाइंडिंग के ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, उसमें क्या टर्म्स यूज होते हैं वो पढ़ लिए। इसी के साथ हमने आपको ये पूरा बता दिया है। अब जहाँ भी आपको मतलब जो समझ में ना आया हो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। और जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं। ठीक है, हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पार चल के समुंदर भी आएगा, थके ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।